हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी है। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने लिए हैं प्याज, उसके बाद बेबी कॉर्न्स, उसके बाद लिए हैं मशरूम, गाजर, बीन्स, धनिया की पत्ती, काली मिर्च का पाउडर, लहसुन, सोया सॉस, वाइट वेनेगर। ये मैंने लॉन्ग बासमती राइस लिया है, आप लॉन्ग ग्रेन राइस भी ले सकते हैं। इनको हम भिगो के नहीं रखेंगे, इनको धोकर और साइड में रख देंगे। उसके बाद इनको पकाने के लिए मैंने गैस जलाया है, गैस के ऊपर पैन रखा है, पानी डाला है, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और घी या रिफाइंड डाला है। जब पानी उबलने लगेगा तो मैं उसमें ये धोए हुए राइस डाल दूंगी और पानी को अच्छे से उबालेंगे। जब हमें हमारा पानी जो है चावलों के साथ उबलने लगेगा तो हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे, और जब हमारे राइस 90% के करीब हो जाएंगे तो हम गैस बंद कर देंगे। इनको जो है स्ट्रेनर में छान लेंगे और छानने के बाद ठंडे पानी से धो लेंगे। ठंडे पानी से धोने के बाद देखिए, मैंने इसको एक बड़ी सी थाली में अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, जिससे कि चावल अलग अलग भी हो जाएंगे, इनका जो स्टार्च है वो सेट हो जाएगा और बिखरे बिखरे से चावल रहेंगे। तब तक मैं अपने फ्राइड राइस का तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाला है, उसके बाद मैंने लहसुन का तड़का लगाया है। लहसुन के तड़का लगाने के बाद हम जो हार्ड वेजिटेबल हैं उनको पहले फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने डाला है बेबी कॉर्न, और इसको मैं 5 to 6 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे जो है इसको फ्राई करूंगी, और उसके बाद मैं सारी वेजिटेबल्स को डाल दूंगी, जैसे कि हमारा मशरूम, कैरेट्स, बीन्स, प्याज। फ्राइड राइस हमेशा हाई फ्लेम पे बनता है, तो आप फ्लेम को मीडियम टू हाई करिएगा, और सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब्जियों में एक क्रंच रहना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने सारी सब्जियां डाल दी हैं, अब हम इनको अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पे सौते करेंगे। तो अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें डालूंगी नमक, काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस, और 1 टीस्पून जो है मैंने डाला है यहाँ पर वाइट वेनेगर। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी जो हमारे राइस हैं। राइस भी हमारे सेट हो गए हैं, देखिए बिल्कुल अलग अलग और एकदम खिले खिले से बने हुए हैं। इनको भी हम मिक्स करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप आगे पीछे और बहुत ज़्यादा हिला हिला कर राइस को मिक्स करेंगे तो हमारे जो राइस हैं लॉन्ग ग्रेन राइस वो टूट जाएंगे। तो हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मुझे थोड़ा सा सोया सॉस कम लग रहा था इसमें, तो मैंने फिर एक और स्पून सोया सॉस इसमें डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग, आपके राइस के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये मेरा जो फ्राइड राइस है वो बनके तैयार हो गया है। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं, और फ्राइड राइस को थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए मैंने इसमें धनिया और जो हरे वाले प्याज होते हैं वो भी डाला है। तो देखिए, ये है मेरा फाइनल फ्राइड राइस का पिक्चर। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी था। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप भी फ्राइड राइस बनाइए और मेरे साथ अपने अनुभव को शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।